सो है गाइस क्या हाल है आप सभी कैन वेलकम बैक एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप निकोन यूज़र्स हैं निकोन के किसी भी मॉडल को यूज़ करते हैं चाहे वो क्रॉप सेंसर हो या फिर फुल फ्रेम सेंसर हो या मिररलेस हो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कैमरे को अपग्रेड कर सकते हैं ऑफिशियल कोई अपडेट आता है कोई फर्मवेयर अपडेट आता है तो किस तरह से आपसे अपडेट कर सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है निकोन के डाउनलोड सेंटर पे चले जाना है यहाँ पे क्या है कि आप किसी भी मॉडल का फोनवेयर ऑफिशियल आता है और यहाँ से आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कैमरे यहाँ पे आपको सारे मॉडल के फोनवेयर अपडेट मिल जाएंगे ऑफिशियली जो जो मॉडल पे आना चाहिए वो आते रहता है तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे सिंपली आप इसमें सर्च कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है एंड आप इस राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे करंट में जो फर्मवेयर अपडेट आते हैं वो यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा तो आज हम बात करेंगे कुछ फर्मवेयर अपडेट्स के बारे में करंट में किस मॉडल में क्या फॉमवेयर एप्टे चला तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो Z6 का फॉर्मवेयर आया है 1.1 का यहाँ पे फॉमवेयर आया है और उसमें देखते हैं कि क्या चेंजमेंट आया है? क्योंकि निकॉन का Z6 सिक्स सेकेंड हमारा नया कैमरा है और ये आई थिंक फर्स्ट फोमवेयर है जो अपडेट में आया है तो यहाँ पे देखते हैं किस चीज़ को यहाँ पे फ़िक्स किया गया है तो फिक्स एन इशू दैट समथिंग इज्ड ओवर एक्सपोज इन फोटोज टेकन इन कंटिन्यूस रिलीज़ मोड्स यूजिंग एन ए एफ एरिया मोड विथ ह्यूमन और एनिमल फेस आई डिटेक्शन मीन्स यहाँ पर कह रहा है कि जब भी हम कंटिन्यूस में ए एफ़ एरिया मोड को यूज़ करके कंटिन्यूस में किसी मनुष्य के या जानवरों के फेस या फिर आई को हम फोकस करके जब फोटोग्राफी करते थे कंटिन्यूस मोड पर तो कई बार होता है कुछ फ़ोटोज़ क्या है ओवर एक्सपोज हो जाती थी तो उस चीज़ को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है जो प्रॉब्लम थी उसे फिक्स कर दिया गया है तो इसको अपडेट आ चुका है तो यहाँ पे आप जब इस फाइल पे आएंगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आप अपने अपने पुराने फर्मवेयर को कैसे चेक कर सकते हैं वो सब सेटिंग्स मिल जाएंगी एंड किस तरह से उसको प्रॉपर अपडेट कर सकते हैं तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है ठीक है यहाँ पे देखिए अपडेटिंग द कैमरा फर्मवेयर ठीक है यहाँ पर पूरा प्रोसेस है और अब फिर भी अगर आप समझ नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं तो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट एंड डाउनलोड तो यहाँ पे नेक्स्ट फर्मवेयर है डी सिक्स के लिए भी फर्मवेयर आया था आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपके पास डे सिक्स कैमरा है तो क्या इशूज़ हैं तो यहाँ पर सारे इशूज़ को फिक्स कर दिया गया है जो प्रॉब्लम्स थी ठीक है 1.10 से 1.11 आ गया है और जो प्रॉब्लम्स थी इतने सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया है और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो अपडेट है वो डब्लू टी सेवन के बारे में है जो हमारा वायरलेस ट्रांसमीटर है आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं इसमें भी फर्मवेयर अपडेट आ चुका है आप तो आपको देख सकते हैं एंड फ्रेंड्स जो नेक्स्ट अपडेट फर्मवेयर अपडेट है वो निकॉर जेड ट्वेंटी फोर सेवेंटी एम एम पे आया हुआ है तो पहले के बॉडी पे भी फर्मवेयर अपडेट आ रहा है अब तो लेंस में भी क्योंकि ये बहुत काफ़ी एडवांस लेंसेज है जिसमें अब फमवेयर अपडेट आ रहा है ठीक है अब इसमें चेकआउट करते हैं कि क्या चीज़ें फिक्स हुई है नया mm लेंस है सेलेक्टिंग ऑन फॉर कस्टम से इन दस्टम सेटिंग मैन्यू फॉर जेड सेवन सेकेंड एंड जेड सिक्स सेकेंड कैमरा नाउ ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर दोकस डिस्टेंस इंडिकेटर इन द लेंस इन पैनल तो फ्रेंड्स काफी कमाल का यहाँ पे फमवेयर अपडेट आया है आ, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो ये फ्रेंड्स हम अदर यूजर्स हैं जैसे कैनन सोनी तो उसमें क्या होता है जब फोकस रिंग होता है तो उनका जो रोटेशन डायरेक्शन होता है वो अलग होता है तो यहाँ पे हम इस चीज़ को भी फिक्स कर सकते हैं कि अगर आप शिफ्ट होते हैं के कैमरे में तो आप उस होमवेयर को अपडेट करके आपका जो फोकस रोटेशन है डायरेक्शन है उसको आप चेंज कर सकते हैं तो काफ़ी कमाल का आया है इसको भी आप अपने इस लेंस के साथ जेड सिक्स सेकेंड जेड सिक्स सेवन सेकेंड के साथ आप इसको होमवेयर को अपडेट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम्स ना आए क्योंकि काफ़ी लोग ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें किस तरफ रोटेट करना है फोकस के लिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अपडेट है नेक्स्ट अपडेट की आप बात करूँ तो जेड पे आया है ये भी हमारा लेटेस्ट मॉडल है एंड यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स को देखा गया है जिनको फिक्स कर दिया गया है तो आज देखते हैं कि Z5 में और क्या यहाँ पे मिल रहा है 1.1 से 1.02 का फॉर्मवेयर आया है तो यहाँ पे पहले देखते हैं अपडेट में पहला क्या है एडेड सपोर्ट फॉर द निकोर Z50mm f1.2s एम लेंसेज मतलब यहाँ पे Uh, Z5 के लिए अपना जो लेंस नया लेंस आया है 50mm 1.2 उसको ऐड कर दिया गया उसको आप यूज़ कर सकते हैं उस लेंस में उसके बाद आया है फिक्स एंड इशू दैट रिजल्टेड इन द कर्टन एक्सपोजर वैल्यू नॉट बिंग सेलेक्टेड वेन कंट्रोल रिंग फॉर द फॉलोइंग लेंसेज वी आर रोटेटेड टू स्टॉप अपोर्चर डाउन इन मूवी मोड मतलब इसमें कहा गया है कि जब भी हम मूवी रिकॉर्ड करते थे तो कौन इन कुछ इस इन लेंसों में हम जब अपर्चर वैल्यू को घटाते और बढ़ाते थे तो प्रॉपर वो वर्क नहीं करता था तो इस इसमें इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया आपके सामने लेंसेज है आप उन्हें रीड आउट कर सकते हैं कौन कौन से लेंसेज है उसके बाद जो इशू है उसमें है फिक्स एन इशू दैट प्रिवेंटेड द टी फ्लैश कंपोजिशन वैल्यू सेलेक्टेड विद द कैमरा विंग रिफ्लेक्टेड बाय द फ्लैश यूनिट रिजल्टिंग इन फ्लैश कंपोजिशन नॉट बिंग अप्लाइड वेन इसमें क्या प्रॉब्लम फ़िक्स किया गया कि जब हम दो या दो से ज़्यादा जो हमारा रेडियो कंट्रोल जो हमारा फ्लैश आते थे ठीक है या हम एक ही ग्रुप में उनको यूज़ करते थे तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करता था एक से दो तीन फ्लैशे जब एक साथ हम यूज़ करते थे प्रॉपर वर्क नहीं करता था तो इस प्रॉब्लम को भी ये फ़िक्स कर दिया गया ठीक है तो Z5 में ये सारे जो प्रॉब्लम्स है अब तक के प्रॉब्लम्स उसको जो देखा गया है फेस किया गया है उसको फ़िक्स कर दिया गया है एंड नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपको मैं जेड को कैसे आप प्रॉपर अपडेट कर सकते फम्बेर उसको उसको वीडियो मैंने मैं, मैं ज़रूर बनाऊंगा और आपसे शेयर ज़रूर करूंगा उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा एंड उसके बाद यहाँ पे जो राइट साइड में हो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में भी क्या क्या अपडेट आते रहते हैं करंट में जो आपको क्या क्या अपडेट देखने को मिलेंगे वो राइट साइड में मिल जाएंगे तो यहाँ पर जो वेब कैम यूटिलिटी मैक के लिए ये आ, आ गया है पहले क्या था सिर्फ विंडो के लिए था वीटा वर्जन में अब ये वेब कैम यूटिलिटी मैक के लिए भी आ गया है तो काफ़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए और यहाँ पे चेंज फॉर वर्जन तो जीरो पॉइंट नाइन से वन पॉइंट का आ गया है किस चीज़ को इसमें फर्मवेयर में ऐड किया गया है तो एडेड सपोर्ट फॉर द जेड सेवन सेकेंड जेड सिक्स सेकेंड डी फाइव डी आठ सौ दस सात सौ और पैंतीस रियली काफ़ी गुड न्यूज़ है कि पैंतीस भी आप अपने वेब यूटिलिटी में यूज़ कर सकते हैं मैग वर्जन के साथ एंड एडेड सपोर्ट फॉर द माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप काफ़ी गुड न्यूज़ है कि इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट टीम जो ज़्यादातर ऑनलाइन यहाँ पे चैटिंग के लिए ऑनलाइन आपको मीटिंग के लिए यूज़ करने के लिए जो ऐप है आता है तो आप इसमें भी आप आ, इसको कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ है काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपडेट आया है तो सिंपली आपको क्या करना है एक्सेप्ट करना है अपना रिलीजन चूज़ करना है और डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक कर देना है तो सिंपली ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा मैंने वेब के मोटलीटी के बारे में भी प्रॉपर एक मैंने वीडियो बनाया है आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं तो रियली काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा अपडेट आप देखने को मिल रहा है और हाँ अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कैमरे में भी क्या लेटेस्ट फर्मवेयर आया है तो आप इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं एंड यहाँ पर पूरा आपको आपके कैमरे के बारे में मिल जाएगा या फिर आपके निकॉन की कोई एडवांस एक्सेसरीज़ है उसका भी प्रॉपर यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो चलिए हर बार की तरह मैं यही कहता हूँ चैनल पर नए आए हो पसंद आ रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर मिलता रहे मेरा नोटिफिकेशन वीडियो का तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय